हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट डमाडोल चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होने वाला क्या है। वहां पर 26 अगस्त यानी आज जिस इवेंट का लोगों को इंतज़ार था, वो इवेंट की भविष्यवाणी को रियलिटी तौर पे क्या होने वाला है वो पता चलने वाला है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है कि लोग भयंकर तौर पर बेरिस पोजीशन बना के बैठे हैं। तो क्या है कहानी, जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होगी तो पता चल सकेगा। तो जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि अमेरिका में क्या है, जैक्सन होल मीटिंग है, बराबर है, 26 अगस्त आज रात शुरू होगी। इस मीटिंग में क्या है कि जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, वो मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में बताने वाले हैं। और सारे इन्वेस्टर को इंतज़ार भी है क्योंकि भैया अब आगे क्या करने वाले हो आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट तो बहुत दबा के लगातार बढ़ा दिए, बट आगे का क्या प्लानिंग है, आगे किस तरीके से करने वाले हो, ये सब लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए मार्केट भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो जैक्सन हॉल मीटिंग है ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि अभी अभी ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उस वक्त हो रहा है जब इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगाने में फेडरल रिजर्व है वो गलत हो चुका है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप रेगुलर फॉलो करते होगे तो हमने आपको लगातार इनकी जितनी भी कमेंट्री है ऑलवेज रात के 8:30 बजे के शो में बताई थी कि जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था तो ये लोग कह रहे थे अरे ये सब तो वहीं है, हो जाएगा, हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब चीज़ें हाथ से बाहर हो गई, सारे इनके अंदाजे फेल हो गए, जब इनकी गलती आई तो उसे काबू करने के लिए क्या हुआ, धमाका तरीके से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ गया और मार्च से इंटरेस्ट रेट 2.25 बढ़ चुका है। तो अब इनको ये जवाब देना है कि अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में जा चुकी है या नहीं, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी में 2 तिमाही गिरावट देखी जा चुकी है और 2 तिमाही जीडीपी में जो गिरावट होती है तो माना जाता है कि इकोनॉमी मंदी में आ गई है। प्रॉपर्टी मार्केट वहां का ऑलरेडी सुस्त है। तो ये एक एक जवाब कैसे कैसे देते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। जबकि अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि फेडरल रिजर्व के सदस्यों का मानना है भैया कोई मंदी नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी मार्केट में, लेबर मार्केट में स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो देखना है कि किस तरीके से क्या होता है वहां पर। अमेरिका में मनी मार्केट दिसंबर तक यानी हम अगस्त में खड़े हैं, दिसंबर तक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला खत्म करने के संकेत दे रहा है कि नहीं, अच्छा दिसंबर तक हो जाएगा करके। अब इसकी वजह है कि इकोनॉमी में लगातार गिरावट आ रही है, इंटरेस्ट रेट लगातार, आपको पता है मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट लगातार आगे जितना तेज बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा क्राइसिस बढ़ेगी और वहाँ पर रिसेशन आने की संभावना है। यानी एक बीमारी को अगर हम दबाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बीमारी बढ़ती है, तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है। वहीं पर अगर आप चाइना और यूरोप देखो, उनकी भी हालत ख़राब है। कल रात में मैंने बताया था चाइना के रियल इस्टेट मार्केट की ये हालत है कि 59% जो पैसा उस मार्केट में इन्वेस्टर हैं, ब्लैक रॉक हो या आपका कहते हैं UBS हो, फिडिलिटी हो, HSBC हो, इन लोगों ने पैसा डालना बंद कर दिया, जो पैसा डाले हुए वो निकालना चालू कर दिया, स्थिति खराब है। यूरोप की स्थिति ये रसिया और यूक्रेन वॉर के कारण खराब है। तो एक होलसम स्थिति खराब होती जा रही है। तो इन सब के मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा है, ऐसे सोच लाई जा रही है कि शायद रुक जाए अब यहाँ पर। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ क्या हुई कि जुलाई से स्टॉक मार्केट 15% से ज़्यादा बढ़ गए। अब इससे संकेत ये आया कि इंटरेस्ट रेट को लेकर फेडरल रिजर्व जो है कहीं ना कहीं नरमी बरतने वाली है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि स्थिति वर्स्ट हो जाए, इन्फ्लेशन को रोकने के चक्कर में रिसेशन आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है वो देखोगे तो आप चौंक जाओगे। जो हमेशा मार्केट में क्या होते हैं, बुल प्लेयर होते हैं, बियर प्लेयर होते हैं, तो जो बियर प्लेयर हैं, जो मंदी खेलने वाले, उनकी सोच अलग है। अब जरूरी नहीं है कि वो सही होंगे, ये एक प्यारी सी बात याद रखिए, बट सोच है उनकी। अभी सोच में क्या होता है, निफ्टी 50 के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं उस पर बेरिस यानी सेलिंग साइड के दाव देखने की कहानी है कि भैया हम मंदोरी हैं, हमें मंदी लगती है। और वहाँ पर जो सबसे आगे हैं वो FII यानी
यानी फॉरेन इन्वेस्टर। अब निफ्टी 50 फ्यूचर्स पर उनके शॉर्ट पोजीशन के करीब 31,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। कितने? 31,000 के कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जो DII हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर हैं, उनके भी नेट शॉर्ट पोजीशन करीब 36,205 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो शॉर्ट पोजीशन की जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बने वो कितने बने, वो देखी जा रही है निफ्टी 50 इंडेक्स पर 67,051। कितना? 67,051 कॉन्ट्रैक्ट, और इनकी नोशनल वैल्यू करीब 9,000 करोड़ रुपए की। ध्यान से, 9,000 करोड़। और यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि इस मीटिंग से पहले दुनिया भर में इन्वेस्टर की शॉर्ट पोजीशन की वैल्यू 125 अरब डॉलर से ज्यादा है। 125 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में किस बड़े लेवल पर सेलर बैठे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, पहले मैं कुछ बोलने से पहले आपसे सुनना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि क्या इतनी बड़ी पोजीशन का मतलब हम ये सोचें कि 100% मार्केट गिरेगा, इन्होंने जो सोचा है मंदोरियों ने वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या प्रॉस्पेक्ट है, क्या आपको लगता है नहीं हाँ 100% गिरेगा। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब का मुझे इंतज़ार है। अब आते हैं, आई होप आपने जवाब दे दिया होगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, मेरी बात पे। जो मेरा पॉइंट आता है सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो आपने, जो नए लोग होंगे मार्केट में उनको आज सुन के बड़ा मज़ा आया होगा, चौंक भी गए होंगे, बट ये आज की कहानी नहीं है। मैं आपको अपने इतने साल का एक्सपीरियंस बताऊँ, ऐसा कई बार होता है और इस तरह के बड़े इवेंट में सबसे ज़्यादा होता है। तो उस बड़े इवेंट में जब होता है तो आप कभी भी इसको, इसकी गारंटी मत मानो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सुन के गारंटी मान के अपनी पोजीशन बना लेते हैं। बल्कि हमारे लिए ये एक हिंट की तरह है। हिंट की तरह का मतलब क्या है कि अभी जैसे देखो, अगर हम चार दिन से देखें, शुरू में दो दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा, उसके बाद चार दिन से देखो तो एक रेंज में घूम रहा है। तो अब हमारा पोजीशन क्या हो गया कि अच्छा मार्केट में सेलर है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम सेलर हो खुश, हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि जब अच्छी वाली सेलिंग की सिग्नल मिलेगी, और जब अच्छी वाली सेलिंग की सिग्नल मिलेगी तो दबा के बेचो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सिर्फ किसी ने पोजीशन बनाई है ये सोच के कभी जिंदगी में ट्रेड मत कर लेना, वरना अटक लोगे। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर हैं, एक तो इनके लिए लॉस बुक करना बहुत आसान होता है, ये तुरंत लॉस बुक करते हैं और तुरंत अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर ऐसा नहीं कर पाता है। उसके अलावा मैं लॉन्ग टर्म एक बात बता दूं, ये जितनी भी कहानी है ये न्यूज बेस इनकी पोजीशन है, ये लॉन्ग टर्म का आउटलुक नहीं है, ये न्यूज बेस की कहानी है। वहां पर लॉन्ग टर्म आउटलुक में मार्केट में कोई भी गिरावट बनती है तो वो एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे एक अच्छा लगता है कि आप वहां पे माल ले सकते हो। बट ये एक स्विंग शॉर्ट टर्म की कहानी है जहां पे हमें चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत है। तो आई होप सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।